व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है। मेरा नाम है रघुनाथ, आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। ये है Redmi Note 10 Pro और जून का मंथ जैसे चल रहा है तो आज हम पांच अमेजिंग थिंग आपको दिखाएंगे जो काफी जबरदस्त है। लेकिन यहाँ पर जो टूटा फूटा जो है ये सब टूटा फूटा है। एक्चुअली में ये जो फोन है मेरे मतलब वाइफ यूज करती है और लड़कियों के हाथ में कुछ भी जाता है तो वो टूट जाता है, चाहे मोबाइल हो चाहे वो मतलब छोड़ दीजिए। तो चलिए बात करते हैं पांच अमेजिंग थीम जो बहुत ही जबरदस्त आप लोगों को लेके आए। तो यहाँ पर थीम एक एक करके समझाते हैं थीम में क्या है, बहुत सारी फीचर्स आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए थीम को सबसे पहले अप्लाई करते हैं। ये जो थीम है 7.6 MB का थीम है, डार्क मिनी DZ इसका नाम है। तो चलिए देखते हैं ये थीम कैसा लगता है। सबसे पहले इसका वॉलपेपर देखिए जो काफी जबरदस्त और खूबसूरत सा लगता है, देखने में बहुत ही जबरदस्त लगता है। और ये आइकॉन वगैरह का हमने वीडियो दे दिया है, जो सुपर आइकॉन आप यहां पर देख रहे हैं ना, इसका हमने वीडियो ऑलरेडी दे दिए है, देख लीजिए इस तरह से करता है। तो इसका वीडियो दे दिया है, आप लोग देख लीजिए। लेकिन इस तरह का कुछ है, आइकॉन वगैरह एकदम स्क्वायर में लगेगा। यहां पर नोटिफिकेशन कुछ इस तरह का है। सेटिंग के बारे बात किया जाए तो सेटिंग भी पूरा का पूरा डार्क मोड में चल जाता है। बात करते हैं यहां पर लॉक की, तो लॉक कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, देख लीजिए। यहां पर ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपका नाम और नंबर है, बस मतलब नाम और नंबर बोलते हैं इसको, मतलब टाइम वगैरह देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थीम की, नेक्स्ट थीम में क्या देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट थीम ये है और इसका मुझे वॉलपेपर काफी जबरदस्त लगा, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ये जो है 7.9 MB का ये भी है और इसका नाम है ग्रीन क्लोवर। तो चलिए इसको देखते हैं कि ग्रीन क्लोवर में क्या दुनिया ग्रीन होता है। वैसा वॉल पेपर जो है बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा लग रहा है और इस MIUI के साथ काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। तो आइकॉन वगैरह देख सकते हैं, थोड़ा सा थोड़ा राउंडिश शेप में आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन जो है पहले के जैसा है, कुछ चेंजेस नहीं की गई है। सेटिंग जो है यहाँ पर भी डार्क है लेकिन थोड़ा सा येल्लो शेड दिया गया है। बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, लॉक स्क्रीन में क्या है। तो लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह का लग रहेगा और आज वेडनेसडे है, वीडियो आपको कल मिलेगा मे बी हो सकता है, तो इस तरह का कुछ है। लेकिन कुछ अगर जबरदस्त वीडियो आ गया मतलब इससे जबरदस्त तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए स्टे ट्यून करिए और सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थीम की, नेक्स्ट थीम दोस्तों ये है। इसको भी हम अप्लाई करते हैं और दिखाते हैं। इसका भी वॉलपेपर मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा और सबसे ज़बरदस्त इसका अलग सिस्टम जो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा लगता है। सबसे पहले वॉलपेपर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त लुक पे यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर नोटिफिकेशन जाएंगे, वही चीज़ है। यहाँ पर सेटिंग जाएंगे तो यहाँ पर वाइट में कर दिया गया है। बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, जैसे मैंने बोला कि लॉक स्क्रीन इसका काफ़ी ज़बरदस्त है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का एनालॉग पे आता है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इसे मतलब टाइम वगैरह जो है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और इधर उधर करने में कुछ ऐसा मतलब चीज़ नहीं निकल के आता है जो हम आपको बताएंगे। तो इस तरह का है, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं और रख सकते हैं। और सबका जो है नाम यहाँ पर दिख रहा होगा, लग्जरी साइलेंस इसका नाम है। तो नाम के हिसाब से आप सर्च करिएगा, सर्च करना बहुत ईजी है। यहाँ पर सर्च बटन में जाएंगे और आप सर्च कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थीम की, तो नेक्स्ट थीम ये है, देख सकते हैं क्लिनली मिमिक्री। चलिए जो भी नाम है देख लीजिएगा आप लोग, स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा। तो ये जो है 8.9 MB का थीम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इसका भी मुझे लुक वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त लगा। आप लोगों को कैसा लगेगा देख लीजिए, उसके बाद बताइए कमेंट में आप लोगों को कैसा लग रहा। तो लक यहाँ पर स्माइल करके दे रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर सेटिंग आया, देख लीजिए ऐसा सेटिंग आया है कि यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। देख सकते हैं वॉलपेपर वगैरह हो गया या इसका आइकॉन वगैरह हो गया, बहुत ही ज़्यादा इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। मगर यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है थोड़ा वाइट पर चल जाएगा, इसको डार्क मोड में यूज़ करना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर किस तरह का दिया गया है सेटिंग, तो देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसके लॉक स्क्रीन की, लॉक स्क्रीन में क्या खास देखने को मिलेगा। तो देखिए लॉक स्क्रीन कुछ इस तरह से टहलता हुआ नजर आएगा। म्यूजिक वगैरह यहीं से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बर्थ डेट लेफ्ट वगैरह, यहाँ पर वो सब चीज़ आप काउंट डाउन कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ यहाँ पर ऑप्टिमाइज की गई है जिसको आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थीम की, ये भी थीम मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थीम की, नेक्स्ट थीम जो है यहाँ पर ये वाला है। ये थीम मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा, इसका वॉलपेपर भी मुझे काफ़ी खूबसूरत सा लगा। तो चलिए दिखाते हैं इसमें क्या है। इसका नाम है डार्क ब्लू M14। ये जो है 25 MB का थीम है, तो काफ़ी बड़ा थीम है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। और जितने भी थीम मैं बता रहा हूँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक रुपया भी आपको देना नहीं पड़ेगा और ज़बरदस्त आप यूज़र इंटरफेस का अनुभव ले सकते हैं। तो वॉलपेपर कुछ इस तरह का है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको
देखने को मिलेगा। वैसे विजेट्स में जाएंगे तो इसका विजेट्स को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला ज़बरदस्त लगता है तो मैं यही रखता हूँ। अगर आप चेंज करेंगे तो कुछ और भी मिलेगा वहाँ पर। तो इस तरह का है, आइकॉन वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, देख सकते हैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पैनल चेंज है। यहाँ पर अगर हम कैलेंडर में आ गए, सॉरी यहाँ पर अगर हम सेटिंग में आएंगे तो सेटिंग किस तरह का है, तो सेटिंग देख लीजिए, सेटिंग में भी ट्रांसपेरेंट दिया गया है और तो बैकग्राउंड जो है इसका काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पर बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, लॉक स्क्रीन इसका मुझे बहुत खूबसूरत लगा, देख लीजिए लॉक स्क्रीन बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ से ऐड वगैरह कर सकते हैं, अलग अलग तरीका का रख सकते हैं, जो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तो यही दोस्तों 5 थीम हुए जो अपने हिसाब से अपनी जगह में बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको इन 5 में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए, और आप कौन सा थीम यूज़ करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, जो मैं लाइव वॉलपेपर यूज़ करता हूँ इसमें तो नहीं मिला है, लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया तो यहाँ पर वॉलपेपर करके एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से ये वाला। और यहाँ पर अगर आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पर लाइव वॉलपेपर है, और यहाँ पर आएंगे तो ये वाला जो है ओप्पो फाइंड एक्स 6 का ये वाला वॉलपेपर जो आप स्टार्टिंग में देखें, इसको आप रख सकते हैं और इस तरह से कुछ काम करेगा, देख लीजिए। तो इन सब चीज़ का वीडियो बना हुआ है, आपको जो चाहिए आप हमको कमेंट करिए, हम आपको लिंक देंगे, वैसे आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।